दोस्तों इस पहलवान ने देवा थापा भाई के बहुत गलत लात मारी, और यह अखाड़े में देखना कितनी खतरनाक तरीके से उन्होंने देवा थापा के लात मारी है। और देवा थापा को भी गुस्सा आ गया, और देवा थापा इसका पूरा बदला लेंगे। गाइस ये देखना कि देवा थापा के साथ में ये गलत क्यों होता है, बहुत ज़्यादा गलत होता है सर, और लातें घूंसे ज़्यादा मारे जाते हैं। अमर देवा थापा को भी गुस्सा आ गया, और स्टंट देखिए कितना खतरनाक स्टंट किया है इन्होंने, बहुत ही लाजवाब। अब देखना किस तरीके से दोनों पहलवानों को पूरे अखाड़े में दौड़ा दौड़ा कर पेलेंगे। अब देवा थापा पहलवान बहुत अच्छे पहलवान है, देखो रेफरी के बीच में ही चले गए, और ये देवा थापा पहलवान बहुत ही अच्छा स्टंट करते हैं, बहुत ही लाजवाब स्टंट करते हैं। इनकी कुश्ती सुपर डुपर हिट जाती है। दोस्तों ये देवा थापा नेपाल काठमांडू से बिलोंग करते हैं, देखना दूसरे पहलवान को किस तरीके से ढोंकते हैं, और इन्होंने दूसरे पहलवान को भी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने ठोंका है अखाड़े के अंदर, और बहुत ही खतरनाक तरीके से धोबी पार्ट मारे हैं, कम से कम 20-21 धोबी पार्ट मारे हैं दोनों पहलवानों के। और देवा थापा पहलवान बहुत अच्छे पहलवान हैं, और ये गलत मारी उन्होंने लात, इसका पूरा बदला देवा थापा देंगे लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। हेलो कुश्ती होने दे, रेफरी अपनी नजर है कुश्ती पे, कोई भी काम गलत नहीं होगा। हेलो भैया हम नहीं करो तो छोड़ दे, हम बोले गए थे नहीं छोड़ नहीं है, बच्चा है तुम क्यों चले थे कुश्ती के हाथ से, कौन नेपाल से बुलाया बोला पहले। हेलो देखिए गुरु जी मुझे इतने दूर से बुलाए कुश्ती लेने के लिए ऐसी। हेलो हेलो अरे
पार्टी कोई नहीं बैठा। एक और मारे अरमान भाई मेरा बगीचा सामने बैठे अरमान लोग इसमें दोनों फाल को यार और भाई धन्यवाद है भाई साहब करते हैं।